वेलकम फ्रेंड्स। तो अभी मैं लंच बना रही हूँ, तो आज मैं खिचड़ी बनाऊंगी क्योंकि है तो आज संडे, बट आज कुछ नॉनवेज नहीं बन रहा है। आज मैं खिचड़ी बना रही हूँ, खिचड़ी वो भी बंगाली स्टाइल में। और देखिए पार्थो क्या लेके आया, इसको क्या बोलते हैं, पम्पकिन, कोहरा पम्पकिन। ये बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन इसका कलर देखिए, लेकिन ये देसी वाला नहीं है। तो ये लेके आया, पिंकिश टाइप का कलर है। इसको काटने का मन नहीं हो रहा है मुझे, इतना अच्छा दिखने में है। यूँ तो बोल रही थी मम्मी इसको सजा के रखो, वो हेलोइन वाला पम्पकिन हो गया ये, लेकिन काटना तो पड़ेगा ही। तो इसको मैं अभी काट रही हूँ। বাবা এটা আবার কি করছো? তার ডিজাইন বানাচ্ছি। ডিজাইনার পাম্পকিন, ডিজাইনার পাম্পকিন ফ্রাই। অ্যাকচুয়ালি ये ऐसे इसलिए कटा जाता है क्योंकि ताकि अच्छा से कुक हो जाए, और कुछ नहीं। अभी मैं यहाँ पे बैगन ले लिया और इसको मोटे मोटे करके काट लिया। तो अभी इसमें मैं हल्दी और नमक, बैगन भाजा, इसको बोलते हैं बैगन भाजा, फिर सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे तेल गरम भी हो गया, मैं डाल दे रही हूँ। बैगन भाजा अभी हो गया। अभी मैं क्या करूँगी, पम्पकिन को भी मैंने सेम एक्चुअली वही नमक और हल्दी लगा के रख लिया था। अब इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। मैं ओवन में आलू बॉईल करने के लिए दिया है क्योंकि बहुत ही इजी हो जाता है ये, कुछ नहीं है, बहुत ही इजी। आलू को प्रिक करके फिर ओवन में रख देना है। अगर आपको ड्राई चाहिए, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे पोस्तदाना का वड़ा बना रही हूँ, तो मुझे यहाँ पे एकदम ड्राई आलू चाहिए। वो सूखा सूखा वाला आलू अच्छा नहीं होता है, थोड़ा सा गीला हो जाता है। मैंने आलू को पील कर लिया, और यहाँ पे मैंने ये प्याज, थोड़ा सा चॉप्ड अनियन, और ये जो पोस्तदाना होता है पॉपी सीड्स, ये मैंने मिक्सी में पेस्ट बना लिया, और इसमें हरी मिर्च डाल के अच्छे से मैं एक पेस्ट बना के रख लिया था। तो अभी मैं बना रही हूँ पोस्तो बड़ा, पोस्तोर बड़ा, दिस इज़ कॉल्ड पोस्तोर बड़ा। तो मतलब पॉपी सीड्स पकौड़ा, पकौड़ा नहीं बोलेंगे, डीप फ्राई तो नहीं होता है, ये सैलो फ्राई होता है। तो ये बड़ा बन रहा है, बड़ा। मैं इसमें हल्का सा नमक ऐड कर रही हूँ, और इसको अच्छे से मैं मिला लूँगी। तो मैं तेल लगा रही हूँ इसमें, और फिर इसको गोला बना बना के ऐसे गोला बना बना के अभी ये मेरा पोस्तदाना का वड़ा भी हो गया। दोनों तरफ अच्छे से लाल हो गया, फिर मैं इसको निकाल लेती हूँ। पम्पकिन फ्राई भी हो गया, फिर मैं इसको धीरे धीरे एक एक करके निकाल लेती हूँ। अभी मैं पम्पकिन का पकोड़ा बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बेसन ले लिए, और इसको मैं मिक्सी में चलाऊंगी क्योंकि अभी इतना फेंटने का टाइम नहीं है।
मैं नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, बस इतना ही डाल के फिर इसको घुमा लेती हूँ। अभी पियो क्या बोल रही है, आज इतना क्यों बना रहे हो? हाँ नॉर्मल टाइम पे तो नहीं, कितना देखिए ये लोग बोल रहे हैं कि नहीं बनाते हैं हम, इतना बनाते हैं तो भी नहीं बोलते हैं, आप लोग तो देखते हो। और ये देखिए मेरा बेसन तैयार हो गया, मैं हाथ में कौन फेट ये करके इसको फेटेगा, वो बहुत टाइम लगता है उसमें, तो मैंने इसको क्या करती हूँ मिक्सी में कर लेती हूँ। और इसमें मैं कलौंजी या ऑनियन सीड्स इसमें डालती हूँ बेसन का बैटर में। सारा टेक्निक शॉर्टकट वाली, शॉर्टकट वाली नहीं, मेरे मदर इन लॉ को मैंने पियोता है ना इसको अच्छे से फेंटना पड़ता है, नहीं तो पकौड़ी थोड़ा सा मतलब क्या बोलेंगे फूगा फूगा नहीं होता है, फुला फुला है। मैं देखती थी मेरे मदर इन लॉ को इसको अच्छे से फेंट के फिर ऐसे पानी में ऐसे करके डालते थे, अगर बेसन अगर फ्लोट हो गया मीन्स ये अच्छे से होता है, लेकिन इसमें तो फ्लोट नहीं हो रहा है तो इसको मतलब और ज़्यादा फेंटना पड़ेगा। चलिए देखते हैं, अभी मैं बना रही हूँ पामकिन की पकौड़ा। ये फ्राई हो गया, अभी मैं इसको निकाल लेती हूँ। अभी तेल में मैं जीरा डाल रही हूँ खिचड़ी बनाने के लिए, मैं मूंग दाल डाल रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे मूंग दाल का खिचड़ी बना रही हूँ। मूंग दाल को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, जो कच्चा स्मेल है वो निकल जाएगा। मूंग दाल अच्छे से भुन गया, लाल भी हो गया। अभी मैंने यहाँ पे जो सब्जी लिए हैं ऐसा कॉलीफ्लावर, गाजर या कैरेट और पोटैटो ये सब मैं डाल दे रही हूँ। अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ, हल्दी, कोरिएंडर एंड क्यूमिन पाउडर और लाल मिर्च, हल्का सा पानी ऐड करूँगी, हल्का नहीं बहुत ज़्यादा ही होगा। और अभी मैं मटर डाल रही हूँ, मसाला अच्छे से भून गया, अभी मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। और फिर मैं चावल को भी डाल दे रही हूँ। अभी मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। अभी मैं एक चम्मच घी भी ऐड कर रही हूँ और कुकर का ढक्कन लगा दूँगी इसको होने के लिए। वाह, दुर्गा पूजा आ रहा है ना, तो उसका पहले ही एक थोड़ा पूजा का ये क्या बोलेंगे ट्रेलर है, तो दुर्गा पूजा का ट्रेलर। और उन्होंने आज सोमा ने बहुत कुछ बना लिया है, बहुत कुछ नहीं एक्चुअली आज खिचड़ी खाने का मन हो रहा था, बट द खिचड़ी इज स्मेलिंग फैंटास्टिक। और ये दुर्गा पूजा के टाइम स्पेशली बनता है, आप लोग इसको जरूर ट्राई कीजिए। और एकदम प्योर वेज है, इसमें
कुछ भी प्याज लहसुन तक भी नहीं है इसमें, तो आप लोग जरूर इसको ट्राई कीजिए और बताइए मुझे कैसे। तो रहा नहीं जा रहा है, भूख भी लगा है बहुत तेज। जब भी कोई अच्छा स्मेल वाला खाना दिखता है ना, हाँ, वो पार्थो और पीयू दोनों क्या करते हैं किचन में ऐसे गुड़गुड़ 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 चलता रहता है इन दोनों का। सो वी आर एंजॉयिंग, यू आल्सो ट्राई एंजॉय एंड इट्स माय टर्न टुडे। प्लीज 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 सब्सक्राइब फॉर सोमाज वर्ल्ड। थैंक यू। और आप लोग जरूर लाइक और शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, तभी मैं आप लोगों के साथ मेरा जो आगे जो नया नया रेसिपीज है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊंगी। क्या नहीं ऐसा बात नहीं है, ये बहुत बदमाश है, पीठ पीछे कुछ ना कुछ कमेंट कर दी रहती है, बोल रहे लाइक शेयर करेंगे तभी हम सब्सक्राइब करेंगे तभी हम लाइक शेयर करेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, आप लोग जरूर देखते रहिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बाय 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 बाय।